साथियों एक और बेहतरीन मुकाबला स्टार्ट होने जा रहा है छोटी कबड्डी टूर्नामेंट का। भाई जो मैं आपको मैच दिखाता हूँ, आपने देखा होगा सारे बेहतरीन मुकाबले दिखाता हूँ, तो इस वजह से आप सोचते होंगे कि भाई हर मैच को कहता है एक और बेहतरीन मुकाबला स्टार्ट होने जा रहा है। तो एक तरफ भाई जेडी अकेडमी है तो दूसरी तरफ भाई SBS अकेडमी। जेडी अकेडमी भाई कॉर्नर में बात करें तो कृष्ण और रवि रहने वाले हैं, अमित और शिवम भाई रहने वाले हैं कवर में। अच्छा मुकाबला देखने को मिला, तब ये बात सच होगी वरना झूठा ऐलान करवाने से कोई फायदा नहीं। मुकाबला स्टार्ट होता है साथियों पहली राइड तब जाकर के प्रतियोगिता SBS अकेडमी की तरफ से अच्छी बात देखने को मिलेगी। भी पहला मुकाबला भाई अच्छा देखने को लगा, हालांकि स्टार्टिंग में मुकाबला थोड़ा एक तरफा सा लगा था, लेकिन बाद में बीके अकेडमी वापसी की जबरदस्त और पॉइंट मिलता हुआ। लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा, जिससे स्पीड 100 किलोमीटर की है। SBS अकेडमी खाता खुलता हुआ, ये इसे मामूली ना समझो आप, कद में छोटा है, ये छोटा बम है लेकिन धमाका बहुत बड़ा। आशीष और चोटी में किक लगाने का प्रयास था लेकिन डैश उससे भी बेहतरीन हुआ। 2-0 स्कोर। क्या भाई SBS अकेडमी जेडी अकेडमी के सामने अपना वो प्रदर्शन दिखा पाएगी जिस प्रदर्शन के लिए जानी जाती है, अभी तक तो दिखाया और भाई क्या बेहतरीन प्रयास। रेडर को आउट दिया गया भाई, दावा किया गया था लेकिन उस दावे को नकार दिया गया और रेडर को आउट दिया गया, क्योंकि रेडर बिना टच के भाई लॉबी में नहीं जा सकता। ये भाई सेंटर लाइन पर कैच लगा दिया, कोई बात नहीं भाई। SBS बागपत वर्सेस JT नोएडा के बीच चलता हूं मुकाबला, 3-1 स्कोर। लेकिन अभी तक भाई पॉइंट ना डिफेंस में ना रेड में अर्जित किया है JD अकेडमी ने, सिर्फ पॉइंट मिला एक्स्ट्रा के रूप में। खिलाड़ी शेल्फ आउट था कृष्ण मावी इस समय रेड में, सॉरी भाई आनंद है इस समय रेड में। और भाई आनंद ने पॉइंट अर्जित कर लिया, पहला पॉइंट मिलता हुआ, खाता खुलता हुआ रेडर के द्वारा JD अकेडमी। एक एक्स्ट्रा एक बात वो बेकार है जिसमें माली ना हो, रेडर के द्वारा शहर वो बेकार है जिसमें नाली ना हो और महफिल वो बेकार है जिसमें ताली ना हो। ये है भाई अमित नाम, स्कोर हो गया बराबर 3-3। आशीष को अलग ही चोट कैच लगाई थी भाई पहले रेड में, एक और एमपी राइट 3-3 स्कोर बराबर भाई। अभी नहीं, अभी तो बदलेगा, सामने वाली टीम तो कमजोर ना समझो, वापसी जब होगी तो धमाकेदार होगी, वो तो इन्होंने दे दिया शुरू शुरू में, अभी देखना उन्होंने चक्र भी बना लिया। बहुत ही बढ़िया भाई, अगला 4-3 स्कोर। अच्छी बाइट देख रहे हैं, करते करते वहीं पहुंच गए ना तुम लाइन के पास ही, क्योंकि जो लीड है वो इस समय 2 मीटर पीछे होना बागपत के पास है। लेकिन भाई अगले वर्ष ये जगह काफी ना काफी है, इस वजह से अगले वर्ष ऑन अनटू टाइम है
अच्छा घमासान चलता हुआ। और भाई एक और कैच लगा दिया, बहुत बढ़िया। जब 5-3 स्कोर हो गया और टीमें चाहेंगी कि हम सेमीफाइनल पे पहुंचेंगे और सामने वाली टीम चाहेगी कि हम पहुंचने नहीं देंगे, इस चक्कर में आपको सांसें रोक देने वाले मैच होंगे, आपको देखने को मिले। भाई अभी तक वो डिफेंस का पड़ता सर नहीं देखने को मिला है, एक पॉइंट रेड में तो एक पॉइंट डिफेंस में मिला है जीडी एकेडमी का। बेहतरीन जंप लगाई थी और हमने। स्कोर की बात करें भाई 3-7 स्कोर हो गया, 4 पॉइंट की लीड में आ गई है। पॉइंट बिलाई को सबसे बराबर बराबर की टीम है, स्कोर बोर्ड में भले उतार चढ़ाव चल रहा हो लेकिन टीम सामने वाली भी कमजोर नहीं है, स्कोर भी बराबरी है। लो भाई स्कोर भी बराबरी है। अच्छा 7-4 4-7 का स्कोर, उम्र के हिसाब से निगाह कमजोर हो गई, 48 साल में उम्र कम हो जाती है। छोटे स्कोर 3 पॉइंट का डिफरेंट है, पर चौथी कबड्डी टूर्नामेंट में स्लिप लगाने का प्रयास। SBS बड़ौत दूसरी तरफ। अच्छा करो इन्हें खिलाड़ी को तो बाहर भेज दो, पर बस तुम ही बैठे रहो। कमाल का भाई टेकल देख रहे खुला है रवि का, अंतर है क्या भाई 2 पॉइंट का, 5-7 और ऐसे ही करते करते वहीं पहुंच के बिल्कुल लाइन पे। अरे यार बाहर जाके देखो भाई दूसरों की जगह जो इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो वहां पता चलेगा कि कैसे बैठना है और कहां बैठना। ये कड़वी सच्चाई है, आपको बुरी लग रही होगी फिलहाल। लो भाई एक और कैच लगा दी भाई, डिफेंस जबरदस्त गेम दिखा रहा है लेकिन टीम रेडर भी भाई कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं, इसी बात नहीं बड़ौत के। 5-8 स्कोर, लोना को भाई बार बार डाल रही है जेडी एकेडमी, अगर यहाँ से लोना लगा तो मुश्किलों में आ जाएगी क्योंकि जो अंतर है भाई पहले से ही 3 पॉइंट का है भाई 10 नंबर जर्सी में, पर अगर एक लोना लग गया तो मुश्किलों में। लो भाई एक और कैच लगा दी भाई, हालांकि भाई अमित ने जो कैप्टन है उन्होंने इशारा किया था आ जाइए। जिस तरह उसने अंग्रेजों को छका दिया था और अंग्रेजों के सामने झुकना जरूरी नहीं समझा, अपनी कुर्बानी दे दी लेकिन देश की रक्षा के लिए हिफाजत के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, इसी तरह भगत सिंह एकेडमी की टीम कर रही है। इस मैच की रक्षा के लिए उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा रखा है, उसी तरह से सामने वाली टीम नंबर प्लेयर है ना ये टॉप है मेरे हिसाब से नंबर 1 है, कामयाबी नहीं मिली लेकिन उधर जाने के बाद सुपर टैकल ऑन रहेगा, तैयार रहेगा। 5-9 ऐसा वसूल मैच है अगला मैच, अब तक तो वैसी बात चल रही थी लेकिन अब बता रहा हूं मैं आपको हकीकत, और ये करो अमरों की रेड है, सुपर टैकल ऑन है, इन्हें 2 मिलेंगे, रेडर को 5 भी मिल सकते हैं, रेडर के लिए आजादी। और ये साथ बाउंड्री नहीं फंस गए, ये देखो और भाई रवि को ये मूक दर्शक बनकर देख रहे हैं, एक और पॉइंटर जीत कर लिया, मतलब भाई जो अंतर है वो बढ़ता हुआ, उसने पहला कदम रखा 10-5 स्कोर, समय इन्हें एक्शन लेना था वालों को लेकिन देर कर दी अपनी जड़ में कमजोर कर।
Das Porsche ist gut. भाई उठ के आ सकते हैं, चल के नहीं आ सकते इनके पीछे। रेस्पॉन्सिबिलिटी अग्नि परीक्षा पर ऑल सिविल प्लेयर्स एज ए डिफेंडर स्टैंडिंग रेडर यू कैन टेक पॉइंट ऑफ योर एग्जामिनेशन विल बी सक्सेसफुल यू विल टेक बट the best record cash. With success by all defender of Shahid Bhagat all out with the very good unbelievable performance of this team. Madhya antar gaya bhai, madhya very good. Score kitna hua bhai Mateen bhai? To 5 JD Academy aur 14 SBS mein advantage in favor of Alwar बनाकर उड़ेंगे एक दिन। सेकंड हाफ का मुकाबला स्टार्ट हो तो 9 पॉइंट की लीड में शो भाई एसबीएस की टीम। अलवारी से अपनी टीम को तैयार रख भाई, टीम इसके राज हो जाएगी 5 मिनट में। और खतरावली वाली टीम तैयार रखे अपनी टीम को। सम लेते हो भाई पूरा आशीष भाई लगातार रन जरूर कर रहे हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है। हर संभव प्रयास किया जा रहा है, यहाँ कामयाबी मिलती हुई। हालांकि भाई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है, इस अंतर को काटा जा सकता है। 6-14 स्कोर है, 8 पॉइंट की लीड है पर करीब 11 मिनट के आसपास का समय बचा हुआ है इस मुकाबले में। पर शूट जरूर किया था लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाया आशीष। एक और एम्प्टी राइट, टू और डाइन, 6-14। भाई अभी आपको सूचना दी जाएगी स्कोर कितना है। 15-6 भाई, जो अंतर मध्यांतर के समय था वो शहीद भगत सिंह एकेडमी की। और भाई एक और कैच लगा दिया, मुसीबतों में डाल दिया फिर से क्योंकि जो रेडर हैं दोनों वो बाहर है इस समय जेडी एकेडमी के। हालांकि आनंद अंदर है, ऑलराउंडर खिलाड़ी आनंद। 6-16 स्कोर, अंदर 10 पॉइंट का। चौथी टूर्नामेंट भाई बहुत शांति में आ गया, दर्शकों में मायूसी है, शांति छा गई है। हालांकि मुकाबला टक्कर का चल रहा है क्योंकि जेडी एकेडमी के सामने इस तरह का प्रदर्शन करना मतलब ये भाई डिफेंस की तारीफ करनी होगी। तीनों रेडर बाहर, पहली रेड पे कैच खा के आ रहे हैं रेडर। सब मिलेंगे पूरा टाइम आउट लिया है भाई अमित नाग। बहुत बढ़िया भाई, 70 साल की उम्र है भाई की और जरूरत आ गई है। लाख साल हो गया, गर्मी ने ज्यादा लगी, समझदार कोई सारे का भी है। डू डायरेक्ट डू एंड डायरेक्ट बहुत बढ़िया। बोनस राइट तो इन्होंने खुली छोड़ दी क्योंकि बोनस का पॉइंट भी नहीं सकता। चार खिलाड़ी हैं सामने,
अच्छे का होना जरूरी है कम से कम। लेकिन यहाँ से पॉइंट मिलेगा और जो ऑल आउट का खतरा था उसे कुछ समय के लिए टाल दिया यार। आशीष अंदर आ गए, लगातार चार प्लेयर भार गए थे आशीष के आउट होने के बाद। ओ भाई वो ठगा, अरे वो ही ठगा। सात अठारह स्कोर, अब रोमांटिक माहौल बना लो भाई। और भाई ठीक लगाई है एक जबरदस्त, और भाई मेन रेडर को बाहर कर दिया है। लेकिन भाई रेडरों का डिफेंस भी साथ दे रहा है, ऐसी बात नहीं है। इस अंतर को जो बढ़ाया है 10 पॉइंट का जो अंतर किया है उसमें रेडर ही डिफेंस ही काम कर रहा है एसबीएस एकेडमी का। भाई सपोर्ट किया, साथ दिया है रेडरों ने भी, लगातार पॉइंट अर्जित किए हैं समय काटते हुए दो नंबर में। दो आशीष यह मत्ता रखता है खिलाड़ी, इसकी जो भाई स्पीड है और जो फुटवर्क है ये देखो, कभी लेफ्ट में कभी राइट में। डिसीजन ऑफ रेफरी इज लास्ट एंड फाइनल डिसीजन, एक्सेप्ट दिस, एक्सेप्टेबल फॉर हकीकत टू ऑर डायरेक्ट। बिल्कुल सही, ये भी है और ये भी सच है कि हाथ नहीं लगा। हाँ जरूर भाई कैच लगा दिया, इसके अलावा झूठ का नो ऑन दिस स्कोर, बगैर उसका काम नहीं चल रहा था। एक लोना कम से कम चाहिए अगर आपको यहाँ से वापसी करनी है तो। ऐसी स्थिति आ जाती है भाई कभी कभी, जब बहू को रहना नहीं होता तो वो कड़ियों में सांप बताना शुरू कर देती है। बहुत बढ़िया, एक और भाई सरेंडर कर दिया रेडर ने। लास्ट पांच का समय शेष, जिन्हें घर में रहना नहीं होता वो और दूसरी दांव पेच बताने लगती है, कड़ियों में सांप बताना शुरू कर देती है। समझ लेते हुए करीब 4 मिनट के आसपास का समय शेष है, अंतिम 4 मिनट है, लास्ट 4 मिनट टू गो। गौरव भाई इस समय रेड राउंड डू अ डायरेक्ट में गौर, बहुत ही पूरी तरह से ये भी मुकाबला एक तरफ से देखने को लगता है। साथ नहीं पहुंच पाए मंजिले मकसूद तक, सुपर टैकल, अब शायद 10-21 हुए हो भाई, 11-21 स्कोर है, 200 पॉइंट का अंतर है, लेकिन समय बहुत कम है, करीब 3 मिनट के आसपास का समय शेष है, 2.5 मिनट का समय शेष है। ये फिरोज भाई भी ऑलराउंडर है, देखो फिल्म बनानी शुरू कर दी सबकी। ये और क्या मनोरंजन, एक और पॉइंट भाई, कल के मैच आज देखेंगे दिन में। बोर है, बहुत बढ़िया कल 21 अंतर 2 मिनट का समय शेष, 2 मिनट विदेशों में सप्लाई होती है मछली, अफगानिस्तान पाकिस्तान साउथ अफ्रीका दुबई। बिल्कुल भाई अब मानसिक स्थिति में भी मुकाबले को छोड़ दिया, 12-24 के साथ मुकाबले बाजी मारी एसबीएस, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।